press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तक ये मानने में नहीं आता है कि 18 साल कैसे गुजर गए और हम इस पड़ाव पे आए. मुझे अभी मैं ऊपर गया था एक फ़ोटो के लिए, तो ऊपर स्विमिंग पूल पे जब हम फोटो ले रहे थे तो मैं ओबरॉय के हमारे साथ एक स्टाफ है उनसे मैं कह रहा उनसे बात कर रहा था, मैं उनको कह रहा था कि मुझे अभी भी वो दिन याद है कि जब हमने पहला खजाना किया था, तो वो जब हमने ऊपर तस्वीरें वगैरह लीं, लेकिन मेरे मन में और मेरे दिल में एक बहुत बड़ा डर था, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था पहले ख़जाने में कि हम ब्रेक इवन कर पाएंगे, हमारा क्या हश्र होगा, लोग आएंगे, लोग सुनेंगे, क्या करेंगे. लेकिन कुछ ऐसी ऊपर वाले की कृपा हुई कि पहले ख़जाना से लेके आज तक हमने इसके बारे में कभी हमें सोचना नहीं पड़ा कि हम टिकट कैसे बेचेंगे, हम लोगों को कैसे बुलाएंगे. और ये जैसे कहें कि धीरे 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 एक छोटा सा जिसको कहें कि एक तालाब है, उसमें पानी भरते 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 एक पूरा समंदर हो गया है. कि अब ये सिचुएशन है कि हमें, जैसे आज अनूप जी ने कहा, अनूप जलोटा जी ने, कि हमें टिकटों के लिए भागना पड़ता है, तो हमारे पास कोई टिकट नहीं बचती. और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमने पैसे बनाए, उन पैसों से हमने थैलेसीमिया के बच्चे और कैंसर पेशेंट्स की बहुत सेवा की है. 200 से ज़्यादा बच्चों का हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया. कैंसर पेशेंट्स ने, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनका रिहैबिलिटेशन हुआ. और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ जो अहम बात है वो ये है कि गज़ल गायकी जो है उसकी उसका जिसको कहें कि उसकी पॉपुलैरिटी और दुगनी हो गई. और कितने यंगस्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं. अब के साल भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें खजाना में हिस्सा ले रहे हैं. तो इस बात की खुशी है कि खजाना के ज़रिए गज़ल गायकी जो है उसका सफ़र जारी है. अगर हमें 18 साल हुए तो गज़ल गायकी का भी जो 18 साल जो है उसमें उस गायकी ने बहुत आगे तरक्की की है. तो यही उम्मीद है कि गज़ल जो गज़ल गायकी है वो ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए, ये हमारा मकसद. और इस बार के चीफ गेस्ट भी गुलजार साहब होने वाले जी, हैं जी, साथ ही में उनको ट्रिब्यूट भी देने वाले हैं जी. बिल्कुल, तो हमने गुलजार साहब को दरख्वास्त की, हमने रिक्वेस्ट की कि गुलजार साहब आप आएँ, खजाना को आशीर्वाद दीजिए. क्योंकि गुलजार साहब हम सब जानते हैं कि गज़ल के बहुत बड़े शायर हैं, तो गज़ल और नज़म के, तो उर्दू से जुड़े हुए हैं. तो गुलजार साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा. तो फिर हमने सोचा कि गुलजार साहब जब आ रहे हैं तो हम कैसे गुलजार साहब को हमारी तरफ से उनको क्या ट्रिब्यूट दें हम. तो फिर हमने सोचा कि एक मेडली बनाते हैं कि जिसमें गुलजार साहब के बहुत ऐसे गाने हैं बहुत सारे कि जो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, जो उर्दू से जुड़े हुए हैं, जो गज़ल से जुड़े हुए हैं, नज़म से जुड़े हुए हैं. तो उन गानों का एक पूरा मेडली तैयार किया है हमने, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 14 गाने हैं. तो वो हम प्रोग्राम की शुरुआत में पेश करेंगे एज अ ट्रिब्यूट टू गुलजार साहब. ओके, इस बार टैलेंट ट्रैक का भी यू नो सेकंड एडिशन रहा है जी. आपसे जानना चाहूंगी, यू नो विनर्स होते हैं, अनाउंस जी, होते हैं जी, लेकिन उसके बाद उनके लिए क्या स्कोप जी. देखिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि हम खजाना जैसा प्लेटफॉर्म उन विनर्स को दे सकें. उसके बाद जैसे अनूप जलोटा जी हैं, तरत अजीज़ हैं, रेखा जी हैं, रेखा भादवाज जी, तो सब ने अग्री किया है कि भाई हम मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिससे हम जो बच्चे गज़ल गाना चाहते हैं उनके साथ बैठ के उनको समझाएंगे, उनको गाइड करेंगे कि भाई गज़ल कैसे गाई जाती है, गज़ल में क्या ज़रूरी है. और ये पूरी जो एक्टिविटी है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो नए सिंगर्स हैं उनको हम कहीं बीच रास्ते में नहीं छोड़ दें. ओके सर, ऑल्सो यू नो हर गाने की हर अभी रीमेक का ज़माना है, रीमिक्स है, लेकिन गज़ल को लेके यू नो उतने ज़्यादा लोग अभी के टाइम पे यू नो यूथ की अगर खास तौर से बात की जाए तो उतना ज़्यादा लोग नहीं अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ. इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, करंट फ्लेवर ये है कि डांस म्यूज़िक बहुत पॉपुलर है. आप जानते ही हैं कि हर कोई बच्चा है वो ज़्यादा क्लब म्यूज़िक, ज़्यादा डांस म्यूज़िक सुनता है. लेकिन आपको ये जान के ताजुब होगा कि जो हमने टैलेंट हंट किया उसमें हमें 247 एंट्रीज़ आई ऑल ओवर इंडिया से 75 सिटीज़. सो जाहिर है, अच्छा, जो जिन लोगों ने अपना जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन लोगों ने अपनी एंट्री भेजी, वो सारे मेरे ख़्याल से
20 और 28 के एज की एज ग्रुप में है. तो मेरा कहना ये है कि यंगस्टर्स गज़ल को 100% पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो गाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि एक ज़रिया चाहिए, एक कोई ऐसा मीडियम चाहिए कि जिसके ज़रिए वो पेश कर सके. तो गज़ल जो है उसके लिए थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसमें ज़्यादा और प्रचार करना बहुत ज़रूरी है.